स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो में इस महिला को देखिए। क्या इसे देखकर आपको लगता है कि यह हाथ में लोटा लेकर 1 किलोमीटर दूर खुले में शौच के लिए जाने में सक्षम है? नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बधाई हो, हमारा भारत देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। आपको यकीन दिलाने के लिए आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह वीडियो। साथियों, आज ग्रामीण भारत ने, वहां के लोगों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। मैं हर देशवासी को, विशेषकर हमारे सरपंचों को आज हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह वीडियो 2 अक्टूबर 2019 का है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े गर्व से बता रहे हैं कि हमारा भारत देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। भारत की इस कामयाबी के लिए यूएन जैसी संस्थाओं ने भी बहुत तारीफ की है, बिल गेट्स ने भी प्रशंसा की है। तो अब सवाल यह बनता है कि क्या वाकई में हमारा देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, या फिर हमारा देश खुले में शौच से मुक्त सिर्फ कागजों में हुआ है और धरातल में हकीकत कुछ और है। अपनी इन बातों को प्रमाणित करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं यह वीडियो। स्क्रीन में चल रही इस वीडियो को देखिए, इस महिला को देखिए जो जन्म से विकलांग और महागरीब है। अब सोचने की बात यह है कि बरसात, धूप और कड़ाके की सर्दी में घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर से भी ज्यादा खुले मैदान में यह महिला शौच के लिए कैसे जाती होगी, जो खुद अच्छे से चल नहीं सकती। यदि इस महिला को अभी तक शौचालय नहीं मिला, जो जन्म से विकलांग है, बहुत गरीब है, इस महिला के पति भी जन्म से विकलांग है, इन्हें आज तक शौचालय नहीं मिला, इनकी 2 बेटियां हैं जो 10वीं और 12वीं में पढ़ती हैं, उन्हें भी खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर शौचालय मिला किसे, आवास योजना का लाभ मिला किसे, हैंडपंप का लाभ मिला किसे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह ज्ञान कब और कैसे प्राप्त हुआ कि प्रभु हमारा देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है? आज हम आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाले हैं कि किस तरह से सरकारी सर्वेक्षण गलत हैं। आप यह वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे समाज में ऐसे भी गरीब परिवार हैं जिनको हमारे टैक्स के पैसे से मदद की बहुत ज़रूरत है और सरकारी योजनाओं का लाभ जिन्हें अवश्य मिलना चाहिए, उन्हें आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश पर राज करते हुए 6 वर्ष हो चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम पंचायत के सचिव या फिर वो सब अधिकारी, सरकारी कर्मचारी जो इन सब सर्वेक्षणों में जुड़े हुए हैं कि किसे शौचालय मिलना चाहिए, किसे मिला, किसे नहीं मिला, किसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, किसे नहीं मिला, यह सब हम आपको दिखाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश में, जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 15 वर्षों तक राज किया, विकास के बहुत बड़े बड़े दावे हुए। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित त्योंथर तहसील के अंदर ग्राम पंचायत है चंदपुर, जहाँ जन्म से विकलांग महागरीब ये पति पत्नी रहते हैं। इनकी 2 बच्चियां हैं जो 10वीं और 12वीं में हैं। आज द खबरदार न्यूज आपको इन महागरीबों की दुर्दशा दिखाने जा रहा है और यकीन मानिए, इनकी दुर्दशा देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि किस तरह से, किस षड्यंत्र के थ्रू या किस भ्रष्टाचार के तहत इनको आज तक एक शौचालय तक नहीं मिल पाया, जबकि ये पति पत्नी जन्म से ही विकलांग हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इस गरीब महिला की पूरी कहानी इस वीडियो के जरिए, जिसे खुद इस महिला की बेटी ने शूट किया है और हम तक पहुंचाया है। तो आइए देखते हैं वह वीडियो। तो आपका क्या नाम है? तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? हमें 3-3-6 लड़की हैं, बाहर जाए पड़ते हैं, लोग उल्टा सीधा बोला लागत था।
लड़की बाहर गई तो न हमारे पानी की सुविधा है, हम चल नहीं पाए थे बल्टी पानी लेके। तो आपके यहाँ से हैंड पंप कितनी दूरी में होगा? बहुत दूरी है। तो आपके यहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है? नहीं। तो आपके जो सरपंच जी है वो, उनका तो कहना है कि हम आपको शौचालय का कुछ रुपए आपको प्राप्त दिला चुके हैं। हमका कुछ नहीं मिला है, ना तो लैट्रिन के पैसा न का है। हमारे घर आए बारिश हो जाना थी तो हम सब लोग गए खाए रह जाये थे, तना पानी भर जाता है सगले कि चुपचाप एक जगह बैठ जाये थे, ना खाना ना फिर पीना ना कुछ, सगले पानी भरा रहा था। अब बारिश आ रही है जो मतलब सोच में है कि कस के हो ही कहा घर उधर निकले जो हवाई छोड़ दो। तो आपका घर तो प्रेजेंट टाइम पे वैसे भी की कि आपकी स्थिति है तो गिर सगले से आधे भस्कल ना। अब इनका घर ये देखिए किस तरह से गिर चुका है और इसी घर में ये रह रहे हैं। ये इनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से है, इनका हाथ भी देख सकते हैं, इनका पाँव में भी प्रॉब्लम है। तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि कोई भी आपके यहाँ सरपंच सचिव या विधायक कोई भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम को? हमारा प्रॉब्लम जो है जैसे लेट्रिन है, घर जो है पानी है, घर है, इसके पहले जो है जब सरपंच बनने के पहले जो है काफी वादा किए कि भैया मैं हमें सरपंच बना दो तो मैं जो है आपको पानी की व्यवस्था करूंगा, आपका जो है घर का व्यवस्था करूंगा। लेकिन आज 5 साल करीब बीत रहे हैं, हमें कोई जो है सरकार की तरफ से लाभ नहीं मिला। अच्छा, तो आपने अपने यहाँ के सरपंच सचिव विधायक सरपंच सचिव से बातें की, इसके बारे में आग्रह किया उनसे कि हमें भाई शौचालय की सुविधा दीजिए? जब उनसे बात करते हैं तो वो इतने बोलते हैं कि लिफ्ट जो है भेजे हैं, आने वाली है, आते आते 5 साल बीत रहे हैं। हाँ, मतलब लिफ्ट जाती है आती नहीं है वापस लौट के। तो आपकी 3 लड़कियां वो भी बड़ी हो चुकी है फिर भी आपकी लड़कियां शौचालय खुले में जाती है? अब समस्या है जो लैट्रिन नहीं बन पा रही है, नहीं बनवा पा रहे हैं। अच्छा, जब बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि बस अगले बार जो है आपका चांस आ जाएगा। लेकिन अभी तक परखे तो अभी तक जो है कोई नहीं, 5 साल उनका कार्यकाल बीतने बार बीत ही जाता, लेकिन ये जो है कोरोना के कारण जो है चुनाव नहीं हो पाया। बात हो जाती तो हम लोग कहीं ऐसे पड़े रहते हैं जो है खाना पीने की कोई व्यवस्था नहीं कि खाना तो बना के खा लें, गैर खाए सो जाते हैं। कोई सेक को जो है जब पानी बरस रहा है ऊपर गिर रहा है लेकिन तो भी कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ये एक हाथ कैसे पानी ला सकते हैं, इनको कितनी प्रॉब्लम होगी। और इनकी वाइफ को भी आपको पता है कि वो किस तरह से रहती है कि एक स्थान पर वो बिना पकड़े खड़ी भी नहीं हो सकती है। और आपसे जो अमीर लोग है क्या उनको भी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ना हैंडपंप की जरूर वो शौचालय की वो सबको मिल रहा है? सबको मिला। हमारे यहाँ से जो है भूतपूर्व सरपंच जो है किसको आपसे जो कि सर्विस कर रहे हैं, शिक्षक हैं, उनको आवास योजना का जो है पैसा मिल रहा है। 50 बीघे 100 बीघे जमीन है उनके नाम आवास योजना। मैं मिस्टर राजकुमार तिवारी, मिसेज प्रतिमा तिवारी की बेटी पल्लवी तिवारी हूँ। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इन गरीब घर की बेटियों की प्रॉब्लम को समझे और जो हमारे यहाँ के सरपंच सचिव विधायक जी हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वो हमारे घर की प्रॉब्लम को समझे कि मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ। मेरे घर में ना तो शौचालय की व्यवस्था ना तो आवास योजना मिली है जिसके कारण हम इस टूटे घर में रहे हैं, बारिश भी होती है तो मैं भोजन भी नहीं पा रही हूँ। किस स्थिति से मैं रह रही हूँ वो तो मुझे मालूम है, आप आके मेरा घर भी देख सकते हैं किस तरह से है। और 2-4 दिन पहले मैं शौचालय के लिए बाहर गई थी तो मेरे साथ कुछ टिप्पणियां हुई, कुछ व्यक्ति ने बहुत बुरे शब्दों से मुझे बात किया जिसके कारण मैं आकर अपने घर में अपने मम्मी से बताया तो मेरे मम्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने शौचालय के लिए तो गड्ढे की खुदवाई करवा दी लेकिन उनके पास पैसा आ गया नहीं है कि वो किस तरह से बिताए। और ना तो मुझे हैंडपंप की कोई वो है, मुझे मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जितनी भी सुविधा छूट दी है उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब आप मेरे घर की स्थिति देख सकते हैं किस तरह से है। अब और मुझे 1-1.5 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ रहा है, शौचालय के लिए खुले स्थानों पे जाना। अब मुझे कितनी शर्मिंदा होना पड़ा कि मेरे साथ इस तरह से बात किया, लेकिन मुझे हार नहीं मानी। मैंने अपने मम्मी से तुरंत बताया। मेरी मम्मी को बहुत ही धक्का और बुरा लगा कि ऐसे कैसे हो जाता। हर घर की इज्जत उसकी बेटी होती है। अगर उसके बेटी के साथ कोई कार्य ऐसा मतलब कोई बोल रहा है तो उस माँ को कितना धक्का लग सकता है, आपको पता होगा और आप समझ भी सकते हैं। हमारे यहाँ के जो सरपंच सचिव हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं कि हमें आज भी शौचालय के लिए खुले स्थानों पे जाना पड़ता है। और हमारे घर की मम्मी भी हमारी विकलांग है, पैर से जो इन्हें चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है खुले में। अब वो जाती है तो किस तरह से जाती है, बहुत ही उन्हें प्रॉब्लम होती है क्योंकि बारिश में तो वो और नहीं चल पाती, क्योंकि उन्हें स्लीपर पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो स्लीपर भी नहीं पहन पा रही है। और ना तो घर है रहने के लिए, ना तो शौचालय खुले में जाती हूँ। इधर उधर चार बातें कहते हैं गरीब सोचकर, और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी लोग देते हैं। एक महागरीब जन्म से विकलांग पति पत्नी को सरकारी योजनाओं का लाभ ना देना, एक शौचालय तक ना देना, अमानवीयता की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया तो बेचारे दिव्यांगों को लगा कि शायद उनके दिन बदलने वाले हैं, शायद कोई है जो उनकी खबर रखता है, कोई उनकी केयर करता है, कोई उनके बारे में सोचता है। सबको उम्मीदें बंधी, जो विकलांग दिव्यांग नहीं है उन्हें भी अच्छा लगा कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके फिक्र है, जिनकी होनी चाहिए, जो वाकई में मदद पाने के हकदार हैं। लेकिन क्या सच में उन तक मदद पहुंच रही है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की बातें होती हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात होती है, लेकिन क्या सच में हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो रहा है या सिर्फ सरकार बदली है, व्यवस्थाएं वही हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि पहले 1 रुपये जाते थे तो 10 पैसे मिलते थे, खुद राजीव गांधी ने स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व से बोलते हैं कि आज उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, पर क्या सच में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? क्या धरातल की सच्चाई भी वही है जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, या फिर कुछ और है? भारत देश में गरीब और गरीबी एक बाजार की तरह है, जहां पर हर पार्टी हर नेता गरीब रूपी इन कस्टमर को चूना लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीकों से काम करता है। वह इस योजना में रहता है कि किस तरह से इन गरीबों का खून चूसा जाए, किस तरह से इन गरीबों के नाम पर आए हुए फंड को, आई हुई सुविधाओं को भ्रष्टाचार के जरिए या तो खुद के नाम पर लिया जाए या फिर अपने किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले को दिया जाए। और यही हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही योजनाओं, सरकारी योजनाओं में, चाहे वह आवास योजना हो, चाहे वह शौचालय योजना हो और चाहे वह पेयजल योजना हो, सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भ्रष्टाचार की इन बातों की शिकायत नहीं करते, और शिकायत करेंगे भी तो किससे करेंगे, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी जिनको जांच करनी है वह पहले से ही सरपंचों और सचिवों से घूस ले रहे हैं, वह किस तरह से जाके जांच करेंगे? और दूसरी बात, यदि कोई गरीब व्यक्ति खड़ा होता है, विरोध करता है, भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश करता है, तो ये ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव सरकारी कर्मचारी सब एक साथ हो जाते हैं उसके खिलाफ, उसको दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। गरीबों को ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक वैसे ही रहना पड़ता है जैसे दोनों दांतों के बीच में हमारी जीभ रहती है। वह किस तरह से बगावत करे, वह किस तरह से भ्रष्टाचार को उजागर करे, तो ऐसे में हम सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर एक गरीब को कितनी बार लिस्ट भेजनी पड़ेगी, कितनी बार सरपंच को याद दिलवाना पड़ेगा कि मैं गरीब हूं, मुझे भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाइए। खासकर तब जब ग्राम पंचायत में इस गरीब महिला से वित्तीय स्थिति देखी जाए तो वित्तीय स्थिति में कई गुना बेहतर लोगों को आवास योजना का लाभ मिल चुका है, शौचालय मिल चुका है, हैंड पंप मिल चुका है घर में, यहाँ तक कि इन सब योजनाओं का लाभ लेने वाले पूर्व सरपंच भी हैं, परंतु इस गरीब महिला को
जो जन्म से विकलांग है, पति पत्नी दोनों विकलांग हैं, उनको आज तक सरकारी योजनाओं का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिला। इन सब के परे देखा जाए तो कहाँ है बेटी का सम्मान? क्या हुआ उस नारे का जो हमारे प्रधानमंत्री जी जोर शोर से लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इस मामले में हुई घोर लापरवाही हमें यह पूछने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे टैक्स द्वारा दिया गया धन का उपयोग कहाँ हो रहा है? यदि हमारे दिए हुए टैक्स से इस महिला को आज तक शौचालय नहीं मिला, इसको आवास योजना का लाभ नहीं मिला, इसको आज तक पीने का पानी नहीं मिला, तो फिर ऐसे कौन से गरीब हैं जिनको हमारे दिए हुए टैक्स से लाभ पहुंचाया जा रहा है? इस महिला से ज़्यादा ज़रूरत और किसको मदद की होगी? इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको इस महिला के प्रति सहानुभूति होती है, इस विकलांग महिला के परिवार के प्रति सहानुभूति होती है और आप इसकी मदद करना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फेसबुक में शेयर करें, यूट्यूब में शेयर करें, इंस्टाग्राम में शेयर करें, ट्विटर में शेयर करें, ताकि इस तरह की हजारों सैकड़ों गरीब परिवारों को मदद मिल सके और ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, सरकारी कर्मचारी इस तरह से गरीबों की मदद को रोके नहीं, उसमें भ्रष्टाचार ना करें। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।